दोस्तों हम एक बार फिर हाजिर हैं स्टार प्लस के शो इस प्यार को क्या नाम दूं की लेटेस्ट टीआरपी लेकर। हमें पता है कि आप इस शो से जुड़ी हर बात जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि शो चल कैसा रहा है, मगर अफसोस की बात है कि IPKKND तीसरे हफ्ते भी जीरो टीआरपी की लाइन को क्रॉस करने में पूरी तरह फेल साबित हुआ है। जी हाँ, बार्क इंडिया की ताजा रेटिंग में इस प्यार को क्या नाम दूं को टॉप 10 तो दूर की बात, टॉप 20 शोज में भी जगह नहीं मिली है। इसका मतलब साफ है कि दर्शकों ने IPKKND के तीसरे सीजन को अभी तक पसंद नहीं किया है। हालांकि पहले और दूसरे सीजन की टीआरपी हमेशा अव्वल थी, मगर तीसरा सीजन ऑडियंस को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ IPKKND ही नहीं बल्कि स्टार प्लस की भी टीआरपी में काफी कमी आई है। टॉप 5 सीरियल्स में से एक सीरियल स्टार प्लस का है, बाकी 3 जी टीवी के और एक कलर्स का है। यहां आपको बता दें ये टीआरपी वीक 29 यानी 15 जुलाई से 21 जुलाई 2017 की है और टीआरपी चार्ट में सबसे अव्वल नंबर पर है जी टीवी का रियलिटी शो सारे गामापा लिटिल चैंप। ये शो पिछले 3 हफ्तों से नंबर 1 बना हुआ है। वहीं दूसरे नंबर पर जी टीवी का शो है कुमकुम भाग्य। टीवी रेटिंग्स में तीसरे नंबर पर है स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। वहीं चौथे नंबर पर है कुंडली भाग्य और पांचवें नंबर पर है कलर्स का शक्ति अस्तित्व के एहसास की। वहीं अगर रूरल एरिया की टीआरपी की बात करें तो वहां रिश्ते चैनल पर प्रसारित होने वाला नागिन 2 जमकर टीआरपी ले रहा है। जी हां, ग्रामीण इलाकों में नागिन 2 को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि स्टार उत्सव पर प्रसारित शो इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर यानी सीजन 2 को भी रूरल एरिया में काफी पसंद किया जा रहा है। आस्था और श्लोक की केमिस्ट्री रूरल एरिया के दर्शकों को काफी भा रही है, मगर अफसोस कि अद्वे और चांदनी की केमिस्ट्री ना ही शहरी और ना ही ग्रामीण किसी भी इलाके की ऑडियंस को जोड़ने में पूरी तरह फेल ही साबित हुई है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।